Hi everyone, please subscribe my channel and hit the bell icon so that can you receive my new video on time. Today we are talking about how to design primer using NCBI Primer Blast. So just simply search NCBI then click here. और फिर यहाँ पे आप डेटाबेस को सेलेक्ट करें और यहाँ पे अपने रिक्वायर्ड जीन को सर्च करें। केलार होमोसेपियन यहाँ पे ये आपका रिक्वायर्ड जीन है, सो क्लिक हेयर। ये न्यू विंडो ओपन हो जाएगा और इसमें आपके जीन के अकॉर्डिंग सारे इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे ये पोर्शन आपका जीन के पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके जीन के लोकेशन कहाँ है क्रोमोसोम्स पे, और ये रिप्रेजेंट करा है कि आपके जीन में कितनी एक्सॉन है। यहाँ पे ये पोर्शन आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम शो कर रहा है और इसमें ये जो ग्रीन बॉक्स है ये एक्सॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यहाँ पे आप एग्जाम को इजीली काउंट कर सकते हैं, जिस तरह आप ये एग्जाम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब आप ये फाइंड आउट करेंगे कि आपका आप कौन सी म्यूटेशन के लिए प्राइमर डिजाइन करना चाहती हैं और आपका म्यूटेशन कहाँ पे प्रेजेंट है। सपोज अगर आपका म्यूटेशन एग्जाम 7 पे प्रेजेंट है तो आप यहाँ पे ये एरिया यहाँ पे लेफ्ट की को प्रेस कर लें और इसी तरह ड्रैग कर लें और इस एरिया को आप जूम कर लें। तो आप डायरेक्टली आप जूम ऑन रेंज पे भी क्लिक कर सकते हैं और या फिर आप राइट की पे क्लिक कर लें, यहाँ पे आ जाए जूम ऑन रेंज। अब ये जूम हो जाएगा, देन अब आप आपका फॉरवर्ड प्राइमर यहाँ पे आएगा और आपका रिवर्स प्राइमर यहाँ पे आएगा। तो आप फॉरवर्ड प्राइमर के लिए यहाँ पे एरिया को सेलेक्ट करें, यहाँ पे लेफ्ट की को प्रेस करें और इसी तरह ड्रैग करें, फिर कंट्रोल की को प्रेस करें और फिर लेफ्ट की को प्रेस करें और इसी तरह ड्रैग करें। तो ये आपका रिवर्स प्राइमर का एरिया है। फिर आप डायरेक्टली यहाँ से डायरेक्टली आ सकता है यहाँ पे प्राइमर ब्लास्ट सिलेक्शन पे, या फिर आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, यहाँ पे ब्लास्ट एंड प्राइमर सर्च पे आ जाएं और फिर यहाँ पे प्राइमर ब्लास्ट सिलेक्शन पे क्लिक करें। नाउ ये न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो में आप यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएं और गेट प्राइमर पे क्लिक करें। नाउ वेट फॉर अ फ्यू सेकंड, ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये जो पार्ट है ये ग्राफिकल व्यू ऑफ द प्राइमर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपके टारगेट है, ये प्राइमर पेयर 1 है, ये प्राइमर पेयर 2 है और ये प्राइमर पेयर 1 सपोज ये यहाँ से एम्प्लीफिकेशन स्टार्ट होंगी और यहाँ तक एम्प्लीफिकेशन होंगी और ये प्राइमर 2 फिर यहाँ से एम्प्लीफिकेशन स्टार्ट होंगे और यहाँ तक प्राइमर और एम्प्लीफिकेशन होंगे। ये जो सेकंड पार्ट है ये कंप्लीट डिटेल ऑफ द प्राइमर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस तरह प्राइमर पेयर 1 में ये फॉरवर्ड प्राइमर है और ये रिवर्स प्राइमर है। ये फॉरवर्ड की सीक्वेंस है और ये रिवर्स प्राइमर की सीक्वेंस है। ये प्रोडक्ट लेंथ है कि कितने न्यूक्लियोटाइड ये एम्प्लीफाई करेंगे।
ये लेंथ ऑफ द प्राइमर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये स्टार्ट पोजीशन है जहाँ से एम्प्लीफिकेशन स्टार्ट होंगे और ये स्टॉप पोजीशन है जहाँ तक एम्प्लीफिकेशन होंगे। तो इन स्टार्ट और स्टॉप के दरमियान जो एरिया है ये प्राइमर इस एरिया को एम्प्लीफाई करेंगी। ये टीएम रिप्रेजेंट कर रहा है मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द प्राइमर एंड जीसी कंटेंट रिप्रेजेंट कर रहा है जीसी कंटेंट ऑफ द। तो आप इससे किसी भी फेयर को सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप फर्स्ट फेयर को सेलेक्ट कर लें। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।